पवित्र श्रावण दे मौके श्री वैष्णो माता मंदिर फेस 3B1 विखे 17 जुलाई तो होन जा रही है शिव महापुराण कथा, जिस संबंधी जानकारी दिंदे हुए कथावाचक आचार्य श्री प्रकाश शास्त्री जी। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री मंगलमूर्तये नमः, श्रीमते रामचंद्राय नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरलं गंगाजलं मस्तके, वामांगे गिरिराज राज तनया जाया भवानी सती। नंदिष्कंद गणाधिराज सहितः श्री केदारनाथ प्रभो, केदारांचल संस्थितो किल गुरो धेयात् सदा मंगलम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पग बंधन किए नाशहि विघ्न अनेक। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। नमस्कार, मेरा नाम आचार्य श्री प्रकाश शास्त्री, श्री वैष्णो माता मंदिर 3B1 मोहाली मुख्य पुजारी हूं। और इस समय पवित्र श्रावण मास के परम पावन उपलक्ष में जो है सुंदर भगवान के शिव मय जो है सारा संसार हो रखा है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा दूज का चंद्रमा विराजमान है। कंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगा जलम मस्तके, माँ गंगा जिनके मस्तक पर विराजमान है। ऐसे देवादिदेव महादेव भूत भावन भूतेश्वर भगवान भोलेनाथ को हम आप सभी लोग जो है बारंबार प्रणाम करते हैं, क्योंकि भगवान देवादिदेव महादेव इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, इतना करुणा वर्णालय है कि वो एक लोटा जल सारे समस्या का हल, एक लोटे जल से ही भगवान शंकर जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। और ये सुंदर पवित्र श्रावण का मास है। शास्त्री जी एक बात बताइए कि जो आप शिव महापुराण की कथा करने जा रहे हैं 17 तारीख से जी, उसका क्या कुछ होगा, कब से लेकर स्टार्ट हो रही है, कब तक चलेगी? जी, हमारे मंदिर में जो है पवित्र श्रावण के महीने में, वैसे तो विगत वर्षों से होती चली आ रही है, गत वर्ष भी हुआ था, इस वर्ष जो है श्री शिव महापुराण की जो कथा है दिनांक 17 तारीख सोमवार से और 23 जुलाई रविवार तक, यानी सप्त दिवसीय जो है ये श्री शिव महापुराण की कथा जो है आरंभ होने जा रही है। तो ये जो कथा है ये सार्वजनिक कथा है, अपने मंदिर समिति के माध्यम से, और सभी लोग इसमें जुड़ सकते हैं और सभी लोगों को इस कथा में जुड़ना चाहिए। तो देखो, निमित्त तो एक है लेकिन फल जो है सभी को प्राप्त करना है। तो पवित्र श्रावण के महीने में 17 तारीख से और 23 जुलाई तक ये कथा आरंभ। समय समय क्या होगा? समय इस कथा का जो है शाम को 4:30 बजे से और 7 बजे तक, 7 बजे से जो है भगवान शंकर की आरती होगी और आरती के पश्चात जो है प्रसाद वितरण होगा। देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है कि श्रावण के महीने में भगवान शिव की महत्ता क्या है। भगवान शिव जो है, देखो, शिवम करोति कल्याणम इति शंकरः, शम करोति कल्याणम इति शंकरः, जो सबका कल्याण करने वाले हैं। 33 कोटि देवताओं में यदि कोई जल्दी प्रसन्न होता है तो मेरा भोलेनाथ होता है। ब्रह्मा जी की लेखनी जितनी है उतना ही होगा,
उतना ही ब्रह्मा जी देंगे। भगवान विष्णु की भक्ति जितनी करेंगे व्यक्ति उतना ही देंगे, लेकिन भगवान शिव एक ऐसे मात्र देवता हैं जो अनचाहा वो दे सकते हैं आपको। मतलब आप चाहे भगवान शंकर से कुछ भी मांगो, भगवान शंकर जो है वो भरपूर दे देते हैं। और पवित्र श्रावण के महीने में भगवान शंकर को जल चढ़ाना चाहिए, और इस महीने में भगवान शंकर ने विष का जो भवन किया था, विष का पान किया था, देवासुर संग्राम जब हुआ था तो उस समय हलाहल विष का पान किया था, तो इस समय इंद्र ने इतनी बरसात करी कि भगवान शंकर के ऊपर कि भगवान शंकर जो कंठ जो है नीला पड़ गया था, उसको भगवान शंकर को राहत मिली है। इसलिए भक्तजनों को चाहिए कि भगवान शंकर के ऊपर जो है इस पवित्र श्रावण के महीने में जल अभिषेक करना चाहिए। तो जैसे आप कह रहे हो कि दूध और बेल पर हाँ जी हाँ जी चीजें चढ़ती है, तो सावन के महीने में क्या वैसे अक्सर भी चढ़ाते रहते हैं, मतलब भक्त जो है, तो इसमें क्या खास है कि अगर बेल पर या दूध वगैरह की क्या महिमा जो चीजें वगैरह पर चढ़ता है? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। ये देखो, ये प्रश्न सबको जानना चाहिए, दूध क्यों चढ़ाते हैं, बेलपत्री क्यों चढ़ाते हैं, धतूरा ही क्यों चढ़ाते हैं। दूध भगवान शंकर को अति प्रिय है। सबसे पहले तो दूध जो है वंश का वृद्धि का कारक होता है। जिसकी कोई संतान नहीं हो रही हो, वह यदि पवित्र श्रावण के महीने में भगवान शंकर को दुग्ध का अभिषेक करता है, भगवान शंकर इतने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और एक कथा आती है कि दूध महर्षि औरव एक ऋषि हुए थे, उन्होंने अखंड तप किया और तपस्या के दिव्य प्रभाव से जो है भगवान शंकर को प्रसन्नता के लिए, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए, लेकिन जब तीनों प्रसन्न नहीं हुए तो महर्षि औरव जो अपने योग बल से समिधा बीनने के लिए और बेलपत्री सामग्री इकट्ठा करने के लिए जब गए थे जंगल में, तो उसी समय भगवान शंकर ने जो है महर्षि औरव का आश्रम को दग्ध कर दिया। ये वायु पुराण की कथा है। और उस समय जैसे ही महर्षि औरव ने देखा कि हमारा सारा जो है आश्रम जल चुका है, किसने जलाया है, किसकी ऐसी हिम्मत हुई है, तो उस समय जो है महर्षि औरव ने श्राप दे दिया। अनायास मुख से वाणी निकल गई कि जिसने भी मेरे आश्रम को दग्ध किया है वह उसी तरह है जलता रहे, जिस तरह जो है मेरा आश्रम जल रहा है। तो भगवान शंकर कैलाश में उनका शरीर जलने लगा। माता पार्वती से कहा, देवी मेरा शरीर जो है जल रहा है, तपन हो रहा है। भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, इसका एक ही उपाय है कि गौ माता के द्वारा ही यह पाप ताप संताप जो है समन करने में यदि किसी में सामर्थ्य है तो केवल वेद लक्षणा गौ माता में ही है। तो उस समय 77 गाय का उत्पत्ति हुई है और 77 गायों के द्वारा भगवान शिव के ऊपर वो दुग्ध चढ़ाया गया है, तब जाकर के भगवान शंकर की जो जलन है वो दूर हो। असली जी, एक चीज का और आप जवाब दीजिए, जो कथा देखो, शिव पुराण में एक सुंदर वर्णन आया है कि सदा सेव्या विशेषतः यश स्मरण मात्रेण जन्म संसार बनता। भगवान शंकर की कथा को जो है सदा सर्वदा सुनना चाहिए। वैसे ये जो कथा है ये 11 दिन की होती है, लेकिन समय का अभाव होने के कारण अब कई लोग जो है 7 दिन का भी रखते हैं, 9 दिन का भी इस कथा का रखते हैं, लेकिन होना चाहिए इसका जो नियम है वो 11 दिन की ही है। और इस कथा का सभी को लाभ लेना चाहिए, सभी को इस कथा का श्रवण करना चाहिए। यश स्मरण मात्र, जिसके स्मरण मात्र से सारे पाप जो है वो समन हो जाते हैं। देखो, भस्म में भगवान शंकर का एक जो है श्रृंगार है, जब तक भगवान शंकर भस्म नहीं धारण करेंगे तब तक उनकी जो है शोभा नहीं होती है। यही बात गणेश जी ने और देवताओं ने भगवान शंकर से कहा एक दिन
भगवान शंकर इतने सुंदर हैं कि एक दिन 33 कोटि देवताओं ने कहा, बोले गणेश जी से कि अपने पिताजी से कहो जाओ ये भस्म भुष्म क्या तुमने धारण किया हुआ है। तो भगवान शंकर ने कहा यदि 33 कोटि देवता मेरे को आदेश देंगे तो मैं भस्म को नहीं पहनूंगा। तो भगवान शंकर जब एक दिन गंगा जी में स्नान किया तो इतना सुंदर स्वरूप भगवान शंकर का हुआ कि हजारों कामदेव लज्जित हो गए। उसी समय 33 कोटि देवताओं ने गणेश जी को कहा कि बोले जाओ अपने पिताजी से कहो कि जैसे पहले थे महाराज ऐसे ही हो जाओ, है ना। तो उस समय गणेश जी ने कहा बोले पिताजी जैसे आप पहले थे वैसे ही हो जाओ। तो क्यों, ऐसा तो नहीं कहा कि 33 कोटि देवताओं ने कहा, ऐसा कहा कि भाई मैं अपनी मात से ज्यादा जो है किसी और को सुंदर नहीं देखना चाहता हूं। तो यदि भगवान शंकर भस्म नहीं धारण करेंगे तो महाराज तो ये संसार जो है कामदेव से पीड़ित हो जाएगा। भगवान शंकर इतने सुंदर है, जो और भी चलती है भांग चलती है, भांग को नशे की तरह भी नहीं है, बिल्कुल। तो भोले शंकर का भांग के साथ क्या, देखो ये तो भगवान शंकर का महाप्रसाद है। भांग जैसे आज लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, भगवान शिव को देख करके कि भगवान शिव ने भांग पिया है तो हम लोग नहीं 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 तो एक प्रसाद है तो एक हाँ वो प्रसाद है। प्रसाद का अर्थ होता है कि प्रभु के साक्षात दर्शन, प्र माने प्रभु और साद माने जो साक्षात दर्शन है, उसमें हमें चाहिए कि भगवान शंकर को साक्षात दर्शन करना चाहिए, ना कि उसका कोई दुरुपयोग करे कि जैसे भगवान शंकर, अरे भगवान शंकर ने तो विष भी पिया था तो आप विष पी करके दिखाओ, ऐसा नहीं है। वो प्रसाद के रूप में है। भगवान शंकर भांग से जल्दी प्रसन्न होते हैं, बेलपत्री से जल्दी प्रसन्न होते हैं। दर्शनम बिल्लपत्रश्च स्पर्शनम पापनाशनम और अघोर पाप संकासम एक बिल्लम शिवार्पणम। भगवान शंकर को यदि कोई एक बिल्लपत्र भी चढ़ा देता है तो दर्शनम बिल्लपत्रश्च दर्शन मात्र से ही उसके सारे पाप और करोड़ों पुण्य जो है उसके उदय हो जाते हैं। ये भांग धतूरा चढ़ाने की जो है यदि शिव पुराण में है। तो जैसे कथा आपकी करती है साथ जी, उसमें अगर भगवान शंकर को वैसे तो सभी तरह के प्रसाद भगवान सबको प्रिय है। जैसे कोई केला लाना चाहता है तो वो भगवान को प्रिय है। इस समय ऋतु फल आम है तो आम भी भगवान शंकर को प्रिय है। और अनार हो गया, अनार माता भगवती जगदम्बा को प्रिय है। तो भगवान शंकर को वैसे सभी फल जो है प्रिय है। विशेष रूप से भगवान शंकर ऋतु फल आम भी अति प्रिय है। तो भगवान शंकर को सभी तरह के जो है फल का जो है भोग लगाया जा सकता है। इस जो श्रावण मास है इसमें किसी खाने पीने की चीज़ का परहेज करना चाहिए, वो भी अगर साइंटिफिकली देखिए तो कहते हैं इसमें ब्लड चेंज होता है, कुछ ऐसा भी कोई कनेक्शन है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि भगवान शंकर का जो है व्रत व्यक्ति को रखना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया कि व्रत रखने से जो हमारे भीतर जो भी चित्त वृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य षड विकार, इनका जो है समन नाश हो जाता है। और एक बाह्यंतर और आभ्यंतर और बाह्यंतर दोनों तरह के जो है हमारा शरीर पवित्र होता है। और देखिए प्रसाद आपने कहा है तो बिल्लपत्र भी एक बहुत बड़ा प्रसाद है। शिव पुराण में कहा गया है कि बिल्लपत्र को खाने से जो है उसको अनेक प्रकार की बीमारियां दूर होती है, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर और कैंसर इत्यादि रोग से। एक महीने तक आप 12 बजे रात को शिवजी के शिखर को देख करके बिल्लपत्र को खाते हैं चबा चबा करके, तो शिव पुराण कह रहा है कि उसके सारे जो है रोग कष्ट जो वो दूर हो जाते हैं। ये बिल्लपत्र का बहुत बड़ा महत्व है प्रसाद के रूप में। बिल्कुल वही प्रसाद है जो भगवान शंकर के बिल्लपत्र चढ़ गया है, उस एक बिल्लपत्र को ले लो और उस एक बिल्लपत्र को आप जो है खा सकते हैं। क्योंकि बिल्लपत्र में तीनों देवताओं का वास है, ब्रह्मा जी का, भगवान विष्णु का और भगवान शंकर का। पंजाब में प्राकृतिक आपदा आई हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए ये तो दैवीय आपदा हम लोग कह सकते हैं। भगवान न करे कभी ऐसा हो और
तीन प्रकार के जो है ताप होते हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। दैवीय ताप कौन सा है, जैसे भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, अनावृष्टि हो जाना, अतिवृष्टि हो जाना, तो ये दैवीय आपदा है। क्योंकि तो जब सृष्टि पर जब कह तरह के जो है पृथ्वी पर भार बन जाता है, एक पाप जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो प्रकृति अपने आप से ही, जिन्हें कहते हैं कि प्रकृति को यदि छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति जो है अपने तरह से दंड देती है, तो प्रकृति का जो प्रकोप है ये कोई नहीं जान सकता है, और किस समय कब आ जाए किसी को पता नहीं है। लेकिन ये जो आपदा आई है, ऐसी आपदा कभी ना आए, क्योंकि इस समय लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, ऐसी त्रासदी कभी ना आए और किसी भी प्रकार के लोगों को कष्ट ना हो, किसी भी प्रकार के लोगों को दुख ना हो, और किसी भी प्रकार के लोगों को जो है इस प्रकार के जो त्रासदी का जो है सामना ना करना पड़े, ऐसे हम देवादिदेव महादेव से जो है प्रार्थना करते हैं। देखो पाप बढ़ गया, क्या हम पाठ पूजा से पीछे हट गए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा है कि देखो, ये तो एक समय आता है, और भगवान शंकर की पूजा तो चलो इस श्रावण के महीने में अधिक प्रकृति अपने हिसाब से दंड देती है। प्रकृति जो है क्योंकि ये जो श्रावण का महीना में ये बरसात का एक ज्यादा महीना है, और इस महीने में अधिकांश बरसात ज्यादा होती है, तो कहते हैं ना कि कभी जो हम जब ज्यादा हमारे से ज़्यादा अनायास भूल चूक पाप जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो समय आता है जब जिस समय जैसे बरसात आ रही है, तो बरसात जब आती है तो उसी समय जो है ये दैवीय आपदा भी आती है, तो ऐसी आपदा ना आए भगवान शंकर से जो है प्रार्थना करते हैं। पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनकी इस विषय में कौन सा जाप करना चाहिए? भगवान शंकर का जी, सबसे पहले देखो भगवान शंकर का इस महीने में अधिकांश जितना ज़्यादा जाप कर सकता है व्यक्ति, रुद्राक्ष की माला से व्यक्ति को सब प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। और शिव पुराण में कहा गया कि 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, और इस महीने की जो रुद्राक्ष की माला से जप करता है उसको अनंत अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। और वैसे इसमें महामृत्युंजय का जप भी होता है, यदि कोई महामृत्युंजय का जप कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जो है जप व्यक्ति को करना चाहिए, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जी, बिल्कुल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का व्यक्ति को जाप करना चाहिए। देखो भगवान शंकर के वो गण है, और भगवान शंकर अपने गणों के साथ हमेशा चलते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा नेगेटिव ज्यादा होते, इसमें पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव क्या है, जैसे हम भगवान शंकर को जल चढ़ाएंगे, जल से भगवान शंकर को शीतलता मिलती है। अगर ऐसे ही हम भगवान शंकर को जल चढ़ाएं, उनकी पूजा करें मंत्रों के द्वारा और उपासना के द्वारा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के द्वारा, नमः शिवाय के द्वारा, महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा, तो हमारे अंदर स्वाभाविक जो वो पॉजिटिव एनर्जी अपने आप ही आ जाएगी। और शंकर के वैसे तो 1008 नाम है, और वैसे उनके नाम की कोई गणना नहीं है, लेकिन 1008 नाम है, उनमें से 108 नाम भी है। और क्योंकि भगवान शंकर के यदि कोई आपने एक नाम भी ले लिया है तो वही एक नाम भी कल्याणकारी होता है। तो क्या कलयुग में ही किसी ने बेलपत्र दूध इसकी नहीं चलाई थी कलयुग जब स्टार्ट हुई? कलयुग को देखो 432,000 कलयुग की आयु है, जिसमें से 5,153 वर्ष जो है कलयुग की आयु को चल रहा है,
और कलयुग में ही भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न होते हैं। किस पर? पार्थिव हाँ जी, ये प्रथा किसने चलाई थी कलयुग में? स्टार्ट किसने किया था? किसने स्टार्ट किया कि बिल पता चलेगा, उसके ऊपर फिर पूरा चलेगा? सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी, देखो ये सबसे पहले सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी ने ही चढ़ाया था। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में क्यों चढ़ाया था? जब शिवलिंग की उत्पत्ति हुई, अग्निस्तंभ के रूप में जब भगवान शिव प्रकट हुए, तो क्या कि ब्रह्मा जी के मुख से अनायास झूठ निकल गया था कि भाई मैंने जो है शिव जी का जो है ऊपर का छोड़ अंत का छोड़ देख लिया है, तो झूठ कहा था उस समय। तो ब्रह्मा जी का जो पांचवा मुख है उसका जो है श्री काल भैरव ने पृथक धर से पृथक कर दिया था। तो अपने पाप को समन करने के लिए, पाप को दूर करने के लिए, हमारे से जाने में अनजाने में जो है पाप हो जाता है, तो ब्रह्मा जी ने ही सबसे पहले धतूरा को चढ़ाया था और दूध जो है गौ माता ने चढ़ाया, जैसे मैंने पहले पूर्वव्रत में कहा था। तो वही हम शास्त्रों को पढ़ करके त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में चला करके आ रहे हैं। तो आपकी जो कथा हम जा रही है, आपकी सवाल है, संगत से या श्रद्धालुओं से क्या अपील करना चाहोगे, कितनी तादाद में आपको आसपास? मेरे सभी लोगों से विनती है, प्रार्थना है कि आप अधिक से अधिक संख्या में आकर के जो है श्री शिव महापुराण की कथा का लाभ प्राप्त करें और भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करें। देखिए वैसे इसमें कोई निमंत्रण, कोई चिट्ठी पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जिसके भीतर भगवान, जिसके ऊपर भगवान शिव की कृपा होती है, अनंत कृपा होती है, वही यहाँ तक आ सकता है। राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप, हम हनुमान चालीसा में कहते हैं ना कि भाई राम लखन सीता सहित, हे राम जी, हे लखन जी, आप आओ हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। लेकिन इसमें बुलाना नहीं पड़ता है, शिव जहाँ बैठते हैं वह हमने घर में बैठे हुए हैं, मन में आ जाए कि चलो शिव कथा, शिव पुराण की कथा सुन करके आते हैं, तो उसी क्षण भगवान शिव हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसे भक्त जनों को जो है भगवान शिव की अनंत कृपा बनी रहे और आप सब लोग आए जरूर कथा का लाभ लें और अपने मंदिर समिति के द्वारा भी, और मैं अपील करता हूँ कि वो जो उनकी तरफ से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग जो है जरूर आए और भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करें। जो ये शिव महापुराण कथा होने जा रही है, इसमें सहयोग किसका है, ज्यादा करें किसका सहयोग है? देखिए जी, इसमें सहयोग जो है अपने मंदिर समिति के समस्त कार्यकर्ता गण हैं और महिला मंडल का भी विशेष सहयोग भी है। मातृशक्ति की पूरी है? हाँ, मातृशक्ति की पूरी है, क्योंकि मातृशक्ति के बिना जो है संसार अधूरा है, और महिला मंडल का इसमें विशेष सहयोग है, मंदिर समिति का विशेष सहयोग है, और मैं चाहता हूँ सभी लोग इसमें जो है बढ़ चढ़ करके अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें, क्योंकि पग पग पर जो है 100-100 अश्वमेध यज्ञ का फल व्यक्ति प्राप्त करें।